साहिब जी तेरे कवना कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधना तुमरी महिमा वर्णना सकौ तू ठाकुर ऊच भगवना तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किछ दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै श्लोक महला चौथा मन मुख मूलों भुलिया विच लभ लोभ अहंकार झगड़ा करदिया अन दिन गुदरै शब्द न करें विचार सुत मत करते सब हिर गई बोलना सब विकार दिते किते ना संतोखियें अंतर तिशना बौ अज्ञान अंधिया नानक मन मुखा नालों टुटी भली जिन माया मोह प्यार तर जियरे एक टेक तू लाह बेडानी आस नानक नाम त्याई है कारज आवै रास परम सम्मान योग तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठे सत्कार योग सत्संगी जनों चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी के प्रकाश दिवस नूं समर्पित होकर बैठे हाँ। आओ गुरु पिता महाराज जी की रसना तो उच्चारण किए हुए पावन पवित्र श्लोक का आपां सारिया ने रल मिल के पाठ श्रवण किया है। जिस एकाग्रता दे नाल आप जी ने बैठ के इतिहास श्रवण किया है गुरबाणी का कीर्तन सुनिया है आओ दोबारा तो मन बिरतियां एकाग्र करिए बुलंद आवाज विच गुरु मर्यादा नूं मुख रखदिया होया फतेह दी सांझ पाईए सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक विद्वान का कथन है दुनिया के लोग अपने बच्चों के या अपने जन्मदिन अज तक मनाते आए ने लोगों की मनाओत है जदों तक होंगे ने क्योंकि समाज का एक ख्याल मनिया गया है लोगों की सोच है जिदा जिदा मनुख दे कोल साधन आते जाते हैं इन्हां चीज़ों का बढ़ावा भी मनुख के जीवन में वधदा जाता है जिवें शिंगार है ना ये मनुख की अमीरी नाल संबंध रखता है जिन्हें मनुख दे कोल पैसे वध होणगे उन्ना शिंगार कीमती होगा जिन्हें उहदे कोल साधन वध होणगे
उन्हां शरीर नूं लिंबण पोचण ते ज़्यादा वक्त लाएगा। विद्वान का कथन है, उन्हें कहा जे दुनिया के अंदर लोग अपने जन्मदिन मनाते हैं, एक नुक्ते की गल उन्हें समाज के सामने रखी है, कहते जे तुसी आम लोग हो, आम लोग, फिर तुसी अपना जन्मदिन आप ही मना लो, भी अपने जन्म की खुशी साझी कर लो, भी मैं जमया, साल बाद वो दिन एक तय कर लो भी इस दिन मेरी जन्म डेट है, लोग आऊँ, रिश्तेदार आऊँ, सबाक संबंधी आऊँ। पर जे खास हो, आप ना मनाओ, दुनिया के लोग तुहाडे प्रकाश दिवस, तुहाडे आगमन पुरब मनाओ। तवारीख का पन्ना पढ़िया गल समझ आती है, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज 70 साल की आरजू शरीरक तौर पर इस दुनिया से शरीरक तौर पर रहे, ज्ञान करके, नाम करके, विचार करके अज भी साढ़े बैठे ने। पर तुहानू पूरे इतिहास में कित पढ़ने नहीं मिलया होगा कि मेहता कल्याण दास ने ज माता तृप्ता जी ने अपने पुत्र का अपने जीते जी कभी जन्मदिन मनाया हो। पर गुरु नानक साहब आम नहीं ना, खास नहीं। जदों ही साल बाद सानू वो दिन चेते आता, असं गुरु नानक साहब के गुरपुरब पिंडां शहरां देशों विदेशों में मनाते हाँ, क्योंकि आम नहीं है, गुरु साहब खास नहीं। दूजी गल तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कर लो, गुरु रामदास महाराज जी की कर लो, ये आम नहीं हैं, खास न, कुछ काम किए हूँ। जिहड़ा मनुख अपने बच्चों की जिंदगी जीता केवल अपने परिवार तक सीमित है, तो जिन्हें मनुख को कभी वेखना तुसी, जदों मनुख दुनिया तो मरदा है, अखां विच हंझू भी उन्हां लोकां दे होंदे ने जिन्हां नूं उत्थों सुख मिलदा है। तुहाडे गुआंढी मौत होई होवे ना, तो कई बार गुआंढियां दे घर लाश पई होंदी है, तो इधर बंद कमरे च हौली आवाज करके टीवी का सीरियल देखा जा रहा होंगे, टीवी सियाणा बंदा कहिंदा कुछ तां अपने अंदर शर्म कर लो, गुआंढियां दे घर मौत होई, हुण तां टीवी बंद कर लो। पर सानू दर्द नहीं ना, सानू कहदा दर्द है, बाप किसी का मरे है, पति किसी का मरे है, भरा किसी की डैथ हुई, सानू कहदा दुख उन्हां नूं जिन्हां दे नाल संबंध सी, जिन्हां नूं उन्हां तों सुख मिलदा, सानू कहड़ा सुख मिलदा सी। गुरु नानक साहब महाराज जी के घर ने एक पूरना पाया, कह लगे जिंदगी ऐसी बतीत कर, दुनिया के लोग घाटा महसूस कर जो तू संसार छड़ के जाए। जदों धन गुरु तेग बहादुर महाराज शरीर चोला त्याग देने, हर अख में हंझू ने, हर अख में पानी है, क्यों? सुख मिलता सी गुरु पातशाह जी को, एक संघने रुख की तरह छां दी महाराज ने संसार में। धन गुरु रामदास महाराज जी के प्रकाश पुरब को समर्पित होकर बैठे हैं भगवान वाले। गुरु रामदास महाराज के जीवन के 3-4 नुक्ते जोड़े साढ़े समाज के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले, जो नुक्तियां अज असी जीवन में अपना लिए बहुत समाज कमियां जिहड़ियां समाज विचों निकल सकदियां ने। आओ गुरु कृपा करे, धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी रसना तो उच्चारण किए पावन श्लोक का आप पाठ किया, तुहाडे विचों जिहड़े बाणी पढ़ने वाले गुरु प्यारे बैठे ने, विराजमान ने, उन्हां नूं पता होएगा, जिन्हां थोड़ा बहुत इतिहास जिंदगी विच कभी पढ़न की कोशिश की, वैसे आदि नहीं है, असीं सवेरे उठ के असीं पंजाबी का 10-15 पेज का अखबार भी पढ़ लैंदे हां, पर 38 पौड़ियां जपजी साहब दियां पढ़नियां सिख वास्ते बहुत वड्डी गल है। इस समय अंदर सिख रहत मर्यादा विच लिखे हर सिख का निरंतर सहज पाठ जारी रहे, इस सहज पाठ करना तो बहुत दूर की गल रही है, करवाना शुरू कर दिता भी कोई मेरे नाम ना कर दे, कोई कर दे मैनू करन दी लोड़ नहीं। वैसे हर सिख का निरंतर हर वक्त सहज पाठ जारी रहना चाहिए, सी भावें अद्धा अंक करे, भावें एक शब्द पढ़े, भावें दो शब्द पढ़े, जो रोज़ पढ़ेगा, जिमें शरीर नू रोज़ रोटी की जरूरत है, इशनान की जरूरत है, शरीर नू जिउंदे रखने लई सवास जरूरी ने, इदां ही जिंदगी नू चलदियां रखने लई गुरु की गुरबाणी का आधार जरूरी है, आसरा जरूरी है। उदाहरण वेखो सतगुर ने बाणी च किन्नियां कमाल दियां दित्तियां ने, जिमें मच्छी का जीवन पानी है, जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे, जिमें मच्छी पानी तो बिना तड़पती है, सिखा तेरा जीवन सतगुर की बाणी है, आधार गुरबाणी नूं लैके चलेगा जिंदगी सफल हो जाएगी। धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने 19 रागों च बाणी उच्चारण की है, 17 राग गुरु अमरदास महाराज जी ने वरते हैं, पर धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जिन्हों का असं प्रकाश पुरब मना रहे हैं 30 राग जिन्हां विच गुरु रामदास महाराज जी ने बाणी गायन की है। पर कमाल की गल यह है, गुरु रामदास महाराज जी का विद्वता वाला पक्ष, दूर अंदेशी वाला पक्ष,
जो उन्होंने को लियाकत सी, जो दूर अंदेशी सी, वो साढ़े सामने पेश नहीं की गई। तुम गुरु नानक साहब तो लैके दसम पातशाह तक वेखोगे शरीरक सेवावां तां साढ़े सामने रखिया गई, पर जिहड़ियां जाके गोष्ठियां कीतियां, विचार चर्चा कीतियां, अज इत्थों आण के असीं बहुत पिछे चले गए हाँ। डांग सोटे दे नाल तां कितें हो रही मनमुख नूं डराउण लई साढ़े कोल बल ताकत है, पर जे अग्गों कोई साढ़े गुरु दे बारे सवाल करदे, भाई तुसीं अपने गुरु बारे कुछ पढ़िया है, तुहानूं अपने गुरु बारे कुछ पता है, तुसीं अपने गुरु की बाणी नूं कुछ जानते हो, तुहाडे गुरु की बाणी विच की लिखिया है, सानूं दो चार गल्लां विच समझाओगे। इत्थे आण के असीं फेल हो गए, पिछे चले गए। धन गुरु रामदास महाराज सलोक विच बड़ी वजनदार गल कहिंदे ने, मनमुख मूलों भुलिया। कमाल की गल यह है, गुरबाणी ने दो ही गल्लां दा जिक्र किया है, एक गुरमुख की गल की, एक मनमुख की गल की है। यह ना कोई जमदा गुरमत है, तो ना कोई जमदा मनमुख है, एक कमां दे आधारित हुंदा है, जिदा जिदा दे काम करदा उदा उदा दा बनता जाता है। इस प्रथाए बड़ी प्यारी गल कही धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने। महाराज गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने मनमुख की गल की भी मनमुख मूल तो भुला होया है। मनमुख की परिभाषा की है, मनमुख कहिंदे किनू है, कौन होंदा है मनमुख? कोई मनन नू तैयार नहीं होएगा, मैं भी नहीं मनांगा मैं मनमुख हाँ। गुरमुख साढ़े सामने एक दर्पण रख दिंदी, असी आप वेखना मनमुख हाँ कि ना। जिवें डॉक्टर बीमारी के लक्षण दसदा है, डॉक्टर दसदा एड्स दे आ लक्षण ने, टीबी दे आ लक्षण ने, जिन्हों जिन्हों लक्षण भावते हैं चैकिंग कराउन तुरै जाते। जिवें शूगर के लक्षण दसदा डॉक्टर, वो दसदा भी शूगर होएगी, तेरा बदन दर्द करेगा, तू डिग डिग पवेगा, आलसी हो जाएगा। जिवें एड्स के लक्षण दसदा है, बंदे ने अपने आप लक्षण वेख के कहना कि यह बीमारी कितने मेरे जीवन च आ तो नहीं गई। गुरमुख सानू लक्षण दसदी है, स्वय पड़चोल असी करना है, ये उगण ये बुराइयां मेरे विच हैगियां ने कि नहीं हैगियां। धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी कहिंदे देन दे थावो, ये लक्षण दस दिता, स्वय पड़चोल बंदे ने करनी, मैं इस कैटागरी चाहना कि नहीं आना। देन दे थावो दिता चंगा, देन वाले नालों दिती हुई वस्तु चंगी। महाराज ये किहड़े बंदे नूं चंगी लगदी है? मनमुख ऐसा जानिए, यह मनमुख की परिभाषा है कि उन्हें देन वाले नालों दिती हुई वस्तु बड़ी चंगी लगती है। हुण इह बंदे ने यह सोचना कि मैनू इंज चंगा लगता कि मैनू देन वाले नालों दिती हुई वस्तु प्यारी लगती है। अज दात प्यारी पढ़ो जी, दात प्यारी मिसरिया दाता, दात प्यारी होगी तो जिहड़ा दातार देने वाला वह भुल गए। पुत्र का जन्म नहीं होया, पुत्र की प्राप्ति वास्ते ललकड़ियां कड़ियां थां थां ते गए, पुत्र हो गया ना, हुण ते धन्नवाद करना चाहिए सी महाराज का, हुण ते घर विच सहज पाठ मां नूं आप करना चाहिए सी, सारा परिवार आप बैठ के बाणी पढ़ता, हुण ते कोई शिकवा नहीं ना। पर की होया, महाराज का स्वरूप गुरुद्वारे गया, शराबां फिर पीतियां गई, नाच गाने फिर होए, पुत गुरु को मंग लिया, पर अकल पुत नूं गुरु वाली नहीं दिती, हाथ विच दीवा फड़ के फिर वीरवार तेल पाउण तोड़ दिता, फिर ज्योतिषी पांदे कोल तोड़ दिता, अकल नहीं दिती पुत नूं, इस बारे नहीं तोरिया। जिस दाते को लिया सी वस्तु प्यारी हो गई, पर दाता प्यारा नहीं होया, दात प्यारी हो गई पर जिहड़ा देने वाला दाता सी वह जीवन विचों भुला दिता। देन दे थावो दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानी है, सुरत मत चतुराई तां की क्या कर आख खानी है। महाराज कोई जमदा धर्मी हुंदा, कोई जमदा पापी हुंदा? कहिंदे ना ना ना, कमाउंदा धर्म भी है बंदा, ते कमाउंदा पाप भी है बंदा, दोवां चीज़ां दा संबंध कमाई नाल है। धर्म का संबंध भी कमाई नाल है, पाप का संबंध भी कमाई नाल है, पाप भी कमाए जाते हैं, बनता है पाप कमाते हैं, तेरा कोई ना बेली नाम क्या ना, पाप भी कमाया जाना, धर्म भी कमाया जाना। पर किड्डी गजब की गल है, धर्म कमाउंदा नहीं पर धर्मी अखवाउणा चाहुंदा है, पाप कमाउंदा है पर पापी अखवाउण नूं तैयार नहीं है। कोई बंदा कभी पापी अखवाउण नूं तैयार हुंदा है? मैनूं कोई लोग पापी कहण, पर धर्मी हुंदा नहीं,
पर दुनिया के लोगों को कहता मेरे बारे को धर्मी बोले, मैं कहे कि मैं धर्मी हाँ। जो धर्म कमावे तिस धर्म ना होवे, पाप कमाना पापी जानी है। दोवां दा संबंध कमाई नाल है। सतगुरु जी कहते इन्नी तो ईमानदारी लग जीवन च, जो कमाना वो अखवा भी, फिर कमाना पाप है अखवाना धर्मी चाहना है। कहते तू धर्म कमा नहीं पर धर्मी अखवाना चाहना है, पाप रज रज के कमाना है पर पापी को कह दे सही, अंदर अग बढ़ जाती है। की निशानी है जी पापी बंदे की? कबीर पापी भगत ना पावई। पापी को गुरु ग्रंथ साहब की विचार थोड़ा चंगी लगती, उन्होंने भगती थोड़ा चंगी लगती है। यह निशानी लक्षण दस दिते। कबीर पापी भगत ना पावई, हर पूजा ना सुहाए। हरी की जड़ी पूजा है उन्होंने सुहाए का अर्थ है सुख देने वाली नहीं लगती, चंगी नहीं लगती। तुलना किहदे नाल कीती पापी की? माखी चंदन पर हरे, मखी चंदन तो उठ जाती है, चना परा चल जाती है। जह बेगंध तह जाए, मखी कितने बहती है जी? जिते गंदगी होंगी है, गंदगी के ढेर से जाके बहती है। कहते भलिया तेन गुरु ग्रंथ साहब जी तो कभी वेखना बरातों च 150 बरात जाती है, 10 की अंदर जाते हैं बाकी पैलस में। माखी चंदन पर हरे, जहां बेगंध तह जाए। जे भाई साहब लावा वेले कि एक शब्द होर पढ़ देना, तीन वार लड़के का बाप कड़ी नहीं देना भी इन्ने पैसे दे के आर्केस्ट्रा लिया हूँ कौन सुनेगा। इतने भाई साहब भी टाइम लाई जाते हैं, काली पाई होगी दो दा भाई साहब एक शब्द तुम कितों शुरू करता छेती करो दो दो। कोई विरला ही है तुहाडे चो, तुसी गृहस्थी हो आनंद कारजा ते जांदे रहिंदे हो। किन्ने परसेंट असी आनंद कारज इदां भी हो सकते हैं जिदा पंडाल सजे है ना, इदां भी आनंद कारज हो सकते हैं, पर किन्ने परसेंट ने एवरेज कढ़ो। क्योंकि सानू समाज नू गंदगी पसंद है। गुरु रामदास महाराज कहते मन मुख मूलों भुलिया, मन के पिछे तुरन वाला मूल नालों टुट गया। मूल की सी? जे दरखत की जड़ जमीन च ना ना लगी हो सुक जाता। सतगुरु ने बाणी चुकी एक मूल लगे ओनी सुख पाया, डाली लागे तीन जन्म गवाया। जेड़े मुड़ ना जुड़े रहते हैं वह सुखी होंगे ने, जेड़े टाणिया ना लमके रहते हैं वह जीवन च अपने जीवन विनाश कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। गुरु साहब ने अपनी जिंदगी का जाति तजर्बा बयान किया है बाणी में भी, मन के पिछे तुरन वाला व्यक्ति जड़ा है मूल नालों टुटा होया है। साडा मूल की है? अकाल पुरख। असी तीन गल्लां कहते हैं, पूजा अकाल की, पढ़ो जी एक बार, पूजा पूजा अकाल की, परचा शब्द का। परचे का अर्थ की है जी? भला परिचय, जान पछाण, जान पछाण परिचय। यह शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी भी आया है। सतगुर भेटे तां संसार टूटे, धावत वरज रहाइए निचल चढ़ै, सहज धुन लागे घर ही परचा पाइए। घर मैं हिरदे, हिरदे रूपी घर में ही हूँ मेरा परिचय हो गया, हूँ मेरी रब न अंदर ही जान पछाण हो गई है। परचा शब्द का अर्थ सी मैनू हूँ गुरु ग्रंथ साहब बारे पता लग गया है, गुरु ग्रंथ साहब च की लिखिया है। पर असी केवल जुबान तो ही पढ़िया है परचा शब्द का, सानू गुरु ग्रंथ साहब बारे अजे पूर्ण तौर पर नहीं समझ लगी। पुछ के वेख लो किसे सिख नू, गुरु रामदास महाराज इन्हें ही चेता कर दी, इन्हें जान लगे हाँ कि गुरु रामदास महाराज की तीहां रागां च बाणी है। गुरु रामदास महाराज जी ने कैड़ी बाणी उच्चारण की है, की उन्होंने वार्तालाप की उन्होंने समाज सुधार काम ने, की उन्होंने पूरने पाए सन, साड़ा जीवन सफल हो जाएगा। पूजा काल का, परचय शब्द का, दीदार खालसे का, इन तिना गलों हूँ आप समझने का यतन करिए कि पूजा काल की हो रही है जी। अज एक बार फिर करो, पूजा
ਉੱਚੀ ਪੜੋ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਾਲ ਕੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਪੂਜਾ ਕਾਲ ਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਅਕਾਲ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ? ਹੋਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਜੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਠੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੂਜਾ ਕਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਸਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਲਿਆ ਆਹ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵੇਚੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਤੇ ਸੇਵਕੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਚੂਗਾ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਤਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਹ ਚੁੱਕ ਬਿਆਨਾ, ਬਾਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨਾ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਚੁਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਲੂ ਬੀਜੇ, ਗੋਭੀ ਬੀਜੇ, ਟਮਾਟਰ ਬੀਜੇ, ਪਿਆਜ਼ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਵੇ, ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਨ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਦਰਾਸ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਉਸ ਕੋਠੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਦਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨਾ ਫੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਜਵਾਨਿਆ ਤੂੰ ਵੇਚਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੂ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨੇ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਵੇਚਦਾ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਦਾ। ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 63 ਸਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, 63 ਸਲੋਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਸ ਹੀ
कोई कोए ये अंदरों निकलिया सी श्लोक उन्हां दे किसे नू किसे दा किसे नू किसे दा किसे नू किसे दा की आसरा पहला आप उस लैन की खलोते सी अज दुनिया नू दस रहे किसे ही कोई कोए किसे नू किसे दा किसे नू किसे दा पर किसे ने पूछे गुरु अंगद सर तुहानू मांझा मैनू निमानी एक तू मैनू निमानी नू केवल तुहाडा ही आसरा है मैनू केवल भरोसा तुहाडा ही है क्यों ना मरी जै रोए जा लग चेतना वहीं मैं मर क्यों नहीं जाता जो तुम मैं भुल जाते हो जो मैं तुम्हें विसार दिना है हर बिना जियो जल बल जाओ कितों पता लगा मैं अपना गुरपूछ देखिया अगर ना ही था होर कोई था ही नहीं है भी ये मेरे अंदर की साड़ कितने बुझ सके धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने गाथा बाणी में एक श्लोक रखिया क्या एक दरख्त नालों पत्ता टुट के जमीन ते आ डिगा है जदों लगा सी उदों हलिया सी पर ज्यों ही दरख्त का साथ छड़िया जमीन ते पैंदिया सार एक बने सुकना शुरू होया सुकदिया 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 पत्ता सुक गया एक दिन बीतिया सवेर की कड़कती धुप शाम तक जो सूरज रहा पत्ते की हरियावल गवाच गई पत्ता सुकया तो हवा वगी पत्ते धरती तो चाह चुके हवा ने उड़ा के लै गए दूर लै गए पत्ता उड़ता फिर कई कई किलिया तक पत्ते दे पैर जमीन से नहीं लगे हवा रुकी पत्ता जमीन से आ डिगा है फिर हवा दूजे बन्ने आई उड़ा के रुख दे लग गई फिर दूजे बन्ने लग गई है पत्ता कहता है रुख नूं बापू जदों तेरा साथ माणिया सी एक ते हरियावल सी वड़े वड़े चखड़ आए हनेरियां आईयां कट्टा पिया मेरे ते मीह पैंदा सी फिर निखर जांदा सी फिर लिश्क पैंदा सी बापू तेरा साथ छड़न दी देर एक ते हरियावल गवाची एक लोकां दी हवा दी भीड़ मेरे पैर नी जमीन ते लगन दिंदी पत्तर पुरजेन गाथा बाणी संस्कृति श्लोकां तो बाद पता साढ़े घर कदों पढ़ी जांदी है जिदा अखंड पाठ का भोग पैना हों भाई साहब सवेरे पढ़ते हैं साढ़े को वक्त हों जी कीमती बाणी उदन सुन लो ना उदन असी भजाया हों जा भज के मंडी च सब्जी लै तड़क तड़के मुड़ के महंगी मिलनी है सब्जी तुहानू सस्ती मिल जाए यदा फिक्र है फलानी चीज लैओ सिलेंडर लैओ आ चीज यदा फिक्र है पर कीमती बाणी दिया विचार कीमत कीमती पाठ जरा साढ़े घर किया जा रहा है कोई कोई अहमियत नहीं किनिया वजनदार गल्लां गुरु अर्जन साहब ने रखी पत्तर पत्ता पुरजेन पुर गया झड़ियां चढ़ गया जमीन पे आ डिगा इत्थे पत्ता कौन है मैं पत्ते कौन हो तुसी आपा सारे ही दरख्त की है गुरु का सिद्धांत गुरु दे नाल जुड़े हाँ ते असी हरे हाँ गुरु दे नाल उंगल छुट्टन की देर जमीन पे आ डिगे ते एक ते सुक गए हरियावल गवाच गई ना बाणी च तां ही आख्या सी मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काश्त हरिया सुके दरख्त नूं सुके पौधे दियां जड़ां च पानी पा दे ते हरिया हो जांदा है अज मन क्यों कमलाया पिया हुण दरख्त सुका होवे उहदियां टाणियां नूं पानी लाउण दी लोड़ है बाल्टी भर के टाणियां तो छिड़की जाओ रुख हरिया हो जाएगा ना जड़ा च पानी पा दो बाल्टी भर के दिन चढ़ते कुरुंबड़ियां तक असर हो जाए मन नूं ज्ञान नहीं दिता अखां दे पानी मारी जा रहे हैं सिर ते मारी जा रहे हैं हाथ साफ करी जा रहे हैं मन पापी दा पापी है मन मैला सब किछ मैला तन धोतै तन धोतै मन अच्छा ना होए पानी साढ़े शरीर नूं साफ नहीं कर सकता प्यास बुझा सकता गुरमत का ख्याल है पानी चेतना तो पाई चेत मैला है ना मन मैला है ना पानी दे कोल कोई ताकत नहीं मेरे अंदर की मैल कढ़ने का गुरु नानक साहब का ख्याल है
पानी चेतना तो पाई मुख पीता तिख जाए। हाँ मुंह थानी पानी अंदर लगाया प्यास बुझा सकता पानी का जरा कम है, पर जे तू सोचे मन बुराइया की जड़ है तो पानी ना यह हट जाएगा यह नहीं हटेगा, सवाल ही नहीं पैदा होगा बाणी का ख्याल। पानी चेतना तो पाई मुख पीता तिख जाए। हाँ जरा कम है पानी का प्यास बुझा वो प्यास बुझाएगा, पर पानी को ताकत नहीं। हाँ तेरे शरीर साफ कर सकता, तेरे शरीर साफ कर सकता क्योंकि मिट्टी लगी हुई है, पर बुरिया बुराई का जड़ मन है। कह लगे दरख्त नालों टुट गया है, जमीन ते आ डिगा है, तेरे अंदर की हरियावल गवाच गई है। ज्यों ही गुरु ग्रंथ साहब जी के सिद्धांत का लड़ मूल नालों टुट गए, एक तो हरियावल गवाच गई साढ़िया घर की, साढ़े मन के खेड़े गवाच गए। हुण की हो रहा, जेड़े डेरे की हवा तेज होंगी वह धक्के दूजे बन्ने ला जाता है, जेड़े पखंड की हवा तेज होंगी वह दूजे बन्ने ला जाता है, तो पब्लिक के जमीन पर पैर ही नहीं लग रहे। ता ही हुंदा ना कि हवा सदा नहीं ना वगदी, कई बार आप हवा नूं कसदे अज हवा का बुला ही नहीं वगदा कोई, अज हवा बड़ी खमोश है, अज हवा वगदी नहीं। ये पखंड की भी हवा सदा नहीं वगदी, कभी कभी तो वेख्या तुसीं किसे बाबे का बड़ा जोर हुंदा पखंड की हवा तेज हुंदी सारे चले जाते उत्थे, कई कहते आप नहीं मानते जी बाबिआं नूं, आप नहीं पखंड नूं मानते। असल च इम्तिहान का दिन पता कदों हुंदा, जब बिपता पई, जदों भीड़ा पई सिर ते, जिदन को कष्ट आया। वैसे तो कोई भी बंदा हॉस्पिटल नहीं जाता जिदन बीमार होता पता तो उदन लगता है, उदन पता लगता है। वैसे कहें ना जी आप एक मानते हैं प्यारिया, जिदन तेरे घर दो पोतरिया हो गई तू चाहेगा भी मैं नहीं जाना, किसी ना किसी ने तेन धक्के ले जाना चल आ चलू, तू बथेरा कहना नहीं नहीं मैं भरिया पंचायतों से बहना, मैं लोगों को समझा बड़ा, मैं नहीं ये काम करना, तेनू दसन वाले कहना तेरा कि पता लगन देना कालिया शीशिया वाली कार अपनी, बहुता डर लगता तड़के लै चलते आप चार बजे गड्डी कढ़ांगे शाम तक आ जाना, तू दसी ना मैं कित्थे गया कि तुझ पौने पलो। अगों देख पिछों देख तुझते कहां छुपावे, बापू को छुपाओगे भी मेरे पुत को कितने लै गए मेरी गोद तो उठा के, बापू को छुपाओगे घर च अपना पुत नजर ना आए तो प्यो नूं पता तो हुंदा ना जी मेरा पुत कितने सवेर दा स्कूलों आया दिसदा ही नहीं मैनू, गुरु ही तो प्यो है ये वेखेगा ही नहीं मेरा अज बच्चा मेरे को आया इन्हें जी सत दिन हो गए कितने गया, पता लगा पुत तो तौली तार गया, सत दिन हो गए मेरा पुत तो मेरे अगे मत्था टेकन तो बिना रोटी नहीं सी खाता कितने गया, पुत तो तौली तार के दर्शन कर गया नहीं वेखेगा गुरु। गुरु ने अपने जिंद तो वध के प्यार किया है, अपनी जान तो वध के प्यार किया है, पर मूल नालों टुट गया सी टाणियां नाल लंब गए। दरख्त जे सुका है तो टाणियां ते पानी पाउण नाल गल नहीं बणनी, उहदियां जड़ां च पानी पाउणा पैणा है। जे मन कमलाया है इहनू अंदरों हलिया करन दी लोड़ है, इहदे अंदर गुरु की मत पा, गुरु का ज्ञान दे, गुरु की विचार दे तां कि मन खेड़े विच आ सके। बड़ी प्यारी घटना आउंदी है, एक मां बहुत सोहना बगीचा अपने घर चलाया, मां ने बहुत सोहना, मां नूं कितें कम पै गया हफ्ते के लिए बाहर जाना सी, मां ने पुत दी मां ने ड्यूटी ला दी, वे मेरिया पुत्रा मेरिया बच्चिया आ बहुत सोहना बगीचा मैं अपने हथी सजाया मेरिया पुत्रा, मगरों देखभाल करी, मां ने लफ्ज कहता पुत नूं देखभाल मेरे मगरों करी, पुत देखभाल कर लग पाया। हुण पुत नूं इह नहीं सी पता मां देखभाल किदां कर ली कह रही, पुत ने की करना सवेरे उठ के कपड़ा लेना, कले कले फुल की पत्ती साफ करना, फुलां साफ करना, एक दिन बीतिया दो दिन बीतिया फुल हरे होने की बजाय खिड़न की बजाय कमलाने शुरू हो गए। बड़ा मन में परेशान है, मां दिहाड़ी च एक बार बगीचे च आउंदी सी, मैं दो बार आना, जिन्ने फुल मां वेले खिड़दे सी मेरे को नहीं खिड़दे, कारण की है कि चीज मेरे को नहीं पूरी हो रही। हफ्ते बाद मां आई, मां ने पूछा पुत मेरे मगरों बगीचे की देखभाल की, मां एक बार, मां तू तो दिहाड़ी च एक बार बगीचे जाती सी मैं दो बार जाता रहा, पर मां तेरे वर्गी गल नहीं बनी मेरे को, तेरे वर्गे फुल नहीं खिड़े, तेरे वर्गी हरियावल नहीं मैं पैदा कर सकिया। इन्नी गल कहण दी देर सी, मां कहिंदी चल मैनू विखा, मां ने की वेख्या जिहड़े फुल मां दे वेले लगे सी जमीन ते डिगे, नवें तां की लगणे जिहड़े पहला लगे वह भी जमीन ते डिगे, पत्ते कुमलाए हुए
मां ने पुत नूं पुछया, देखभाल की? मां तीन तीन वार दो दो वार कपड़ा लेके साफ करता रहा। मां ने अगे जाके वेख्या ते धरती सुकी। वे पुत्रा देखभाल करन दा सी, तू रोज इन्हां दीआं जड़ां च पाणी पाउंदा। जदों इन्हां दीआं जड़ां पोलियां हो जांदियां, मिट्टी विच कोई लागे घाह उगदा, रंबा लैके उह घाह पुट्टी जांदा तां कि फुल हरे रहिंदे। वे पुत्रा तू बाहरों जा झाड़ पूंज करता रहा, एदां रुख हरिया नहीं होना, पौधा हरिया नहीं होना। असली ते मूल सी इहदा पाणी उह भरे हो। मन दरख्त है, असी की कर रहे हैं? अखां नूं झाड़ पूंज करी जा रहे हाँ। मन नूं इहदी खुराक, गुरमत भी तो एक जल है, गुरमत भी तो एक पानी है। बाणी च लिखे है, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। गुरु की मातरी तो एक जल है, जिहड़े इस मन रूपी पौधे नूं देण नाल इस मन ने हरिया होना सी। पर असी की कीता? इस मन नूं सत दा संग नहीं कराया, बाहरी तौर ते सीमित रहे। जे किते जोत जगदी है, जोत ते हथ रख के ते अखां ते ला लिया, पर अंदर वसदी जोत जिहड़ी गुरु नानक साहिब जी दे घर ने कही सी, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानना, सब मैं चानण होए। जिहड़ी जोत सारिआं विच जगदी सी, ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ 'ਚ, ਧੀ 'ਚ, ਪਤਨੀ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਦਾਜ ਕਰਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਹੁ ਫੜ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੱਢੇਗਾ? ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, जे एक पुत्र नू बाप विच रब दी जोत दिस पवे, तो कहेगा बापू जी अपना हुण टिकाणा कर लो, मेरे कोलों हुण, मेरे टब्बर कोलों तुहाडी रोटी नहीं पकदी, कहेगा। बाहरलियां जोतां ते हथ रख के मूंह नू लाउण वाले आ, जिहड़ी अंदर जगदी जोत सी इह देख, पर इह दिसणी किद्दां सी? गुर साखी जोत, गुरु दी साखी, गुरु दी सिक्ख्या नाले जोत प्रगट होणी सी। गुर साखी जोत प्रगट होए, गुरु की सिक्ख्या नाल इस जोत ने प्रगट होना सी, दिसणी सानू एक दूजे दे विच। पर होया कि मूल नाल टुटण के कारण जीवन तबाह हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। हालत साडी पत्ते वाली होई, ज्यों रुख नालों साथ छड्या, पत्ते दे जमीन ते पैर नहीं लगे, लगे साडे भी नहीं। इंज हो रहे, कबीर जे मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर। वीरां दियां वीरां, पीड़ां दियां पीड़ां तुर पई, क्यों? काम बड़ा सौखा सी ना, राह बड़ा सौखा है, क्योंकि बंदे नूं उत्थे अपना बदलना नहीं पैंदा, सौखा जिहा काम है ना। कोई दसदा ही तेरे च नुक्स हो, कहिंदे सारा नुक्स ही तेरे गुआंढी च, आ नारी नूं पंज सुट नहर च, तेरा काम नेपरे लग जाणा, आ मेरे कोलों दाल लै जा। आ तुसीं वेखे गुरुद्वारां च मांह दी दाल क्यों चढ़दी? बाहरलियां कंट्रियां तक वेख आए, इत्थे वेख आए, लुधियाणे वेख लो, दिल्ली वेख लो, कितने वेख लो, मां की दाल शनिवार खास करके क्यों चढ़ती है जी? गोभी क्यों नहीं चढ़ती? गाजर क्यों नहीं चढ़ती? उसके पिछे कारण है जी, शनि देवता। कम वो है, कम नहीं बदले, उसे रूह बदले, कम वो है। मां की दाल लैके आनी है, कई रख जाएंगे लागे गोल के देख भी, मां की दाल रखती है, पता लग गया भी शनि देवते का भगत है बंदा, भी हूँ कितने होर तो जा नहीं सकता। कहिंदा महाराज उत्थे ते की जाना, आ खुराक वो लै आया, इतने प्रवान कर लो। जे महाराज के कहना भी मैंने तो होर भी चीज़ा बड़िया पसंद ने, मेरे सिखा सब्जी लिया के खवा, गोभी गाजर लिया के खवा, एक ही लैके आ रहे हैं। पर असी मन में असी किसी विपर की सोच लैके आ रहे हैं, बाहरों पढ़ी जाने, जब लग खालसा रहे न्यारा, पढ़ी जाने असी, तब लग तेज दियो मैं सारा, जब एक गह विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत, पढ़ी जाने ना। विपर रीत करने वाला भी हम गुट के नाल धागा लाल बनने वाला है, कभी जब मैं ना करो इनकी प्रतीत, जब ला खाल सारे मेरा भलिया, तू तो ना कह गल, तू मथे तिलक लाने वाला है पड़े, वह गल सोभती नहीं ना है। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਗਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਲੁਹਾਰੇ ਕਵਰ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ,
कि उत्थे एक नौजवान डंडौत करदा आ रहा सी, पूरा लम्मे पैंदा सी, अगे सोटियां निशान लाउंदा सी, फिर अगे लम्मा पैंदा सी सोटी नाल। अजे वह मोगे वाले चौंक ते सी ते अरे उरे लुहारे आउणा सी, उहने असीं गड्डी च उतरे ते मैं उहदे कोल गया। मैं कहा वीर की नाम है तुहाडा? कहिंदा जी गुलजिंदर सिंह। ना उहने सिंह दस्सिया। मैं कहा वीर ये की कर रहे हैं? डंडौत कर रहे हैं जी बाबा जी दे। किहड़े बाबा जी दे? कहिंदे फकर दे कबर दे डंडौत कर रहे हैं। किसी नहीं पता भी उस कबर की हिस्टरी की है, जेडे उस इलाके के बुजुर्ग ने उन्होंने पता है कि उस कबर की असल पिछोकड़ की हिस्टरी की। असल वो एक लोहार की दुकान सी, अपनी टोके चढ़ता हुंदा सी, दातियां दे दंदे कढ़दा हुंदा सी। बापू उत्थे बैठा हुंदा सी, लोग पेशाब कर आउंदे सी, अड़दे मुश्क आउंदा सी बापू नूं, बड़ा तंग सी, बड़ा परेशान सी बापू बेचारा, बहुत परेशान सी। किसी पेंटर को लिया के लिखा भी दिता भी इत्थे पेशाब करना मना, पर लोग टलदे ने कितें चलते। इतने बस में लिखा होता नो स्मोकिंग, पर आप बीड़ी भी मूँह पाई होंगी है, तंबाकू भी मूँह पाया होंगे, कोई पुछ के वेखे जाके लिखा चुप का दान बख्श, जा जी कहो जी कहो, बसा ने लिखा होंगे ना जी कहो तो कनैक्टर खिंच खिंच के पैन दिया होंगे, जे कहो जी आओगी लिखे कहते सवारियों वास्ते। मैं भावें बापू की बेइज्जती करा, भावें माँ जो मर्जी बोलन, मैनू कौन तुम कह वाले? ये जिहड़ा मैं लिखिया लोगों वास्ते कहने मने। खीर च किसी ने उस बापू नूं सलाह दित्ती, बापू ये लोग लिखण की परवाह नहीं करते, ना लिखण नूं मनते, एक सौखा जिहा तरीका दसीए इत्थे दीवा जगा दे, किसी की जमीन पर कब्जा करना ना, रात नूं दीवा जगाओ। लोग एक चीज़ तो डरते ने फकर तो बस। और तुसीं देखो बस च बंदा चंगा पड़ा जांदा होया वे घेरी कबर ते बस वाह फकर जी माश करे आउंदी, मेरी गड्डी ना फट जाए कितें, मेरी गड्डी ना खराब हो जाए कितें। तेनों अपनी गड्डी ते यकीन नहीं, गुरु ते यकीन नहीं, सड़कां दे कंढ़ियां ते वेखो की कुछ बनिया पिया, कितें दरख्त दे नाल धागा बद्धा होया है, कितें फकर की कबर है। किदां लोग भट्ठे तो इट्टां आउंदियां ने ना, ओ मुंडी मोड़ दे लागे कबर है, भट्ठे तो इट्टां आउंदियां ना, दो दो चार तां सुट के जांदे ने, उत्थे शक पैण लग पिया भी इत्थे भट्ठा ते नहीं, इट्टां कित्थों आ गईआं। उदां कहिंदे इट्ट बहुत महंगी हो गई, पर फकर नूं देई जांदे ने, फकर जी तुसीं लै लो। फकर ने की करना, उहदा कड़ा घर है भाई, कितों तुरे तो कितने आण खलोते हाँ असं। कई कहते जी बाणी च कितने लिखा जी कबरों की पूजा नहीं करनी, कई पूछते हैं आ सुने हूँ ध्यान, ये बाणी गुरु की है साड़ी तो नहीं, असं सिर्फ दसन वाले हाँ, उपदेश तो गुरु का है, आ सुन के जायो जेडे तुहाडे चों भी किसी कबर से दीवा जगाते ने, जे तो गुरु नानक साहब के सिख हो तो अज मन के जायो, जे नहीं गुरु नानक साहब की मनने तो पगा वाले तुहाडी अपनी मर्जी है। आ उपदेश गुरु नानक साहब का, दुबदा ना पढ़ो, दुबदा ना पढ़ो, हार बिना होर ना पूजो, मड़े मसाण, मड़े बारे को भुलेखा दिन है ना मड़ी मसाण, तो आप कहने बाबा जी इतने नप्पे सी पागा वाले, कभी मुर्दा किसी की मत कर सकता? कोई मुर्दे के पैरों वाले बंद जाके आए जी साढ़े से कृपा करो जी, मुर्दे में तो चार बंद की जरूरत होंगी है। जेड़ा इस पंजाब बारे ना कवियां ने लिखे, पंजाब वसदा गुरां दे नां ते, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते, जिहड़ा पंजाब कदी जिउंदा गुरां दे नां ते सी, अज सब तो वध इत्थे मुर्दियां दी पूजा कीती जा रही है। कभी सोचिया सानूं कित्थे लिया के खड़ा कर दिता है? ते चंगे चंगे दाड़ियां वाले प्रकाश कीते हुए गातरे पाए हुए लैणां च लगे हुंदे ने, ते वेखण वाले कहिंदे ने अमृतधारी भी तो जाते हैं ना, कहो भागा वाले उन्होंने अमृतधारी ना, निरादरी करो अमृतधारियों की ना, ना ये गुनाह ना करो भी वो अमृतधारी नहीं, केवल शरीर से ककार पा वेख कह दिता अमृतधारी है। अमृत का संबंध साडे मन नाल है। जे गुरु नानक साहब महाराज एक ब्राह्मण को कह सकते हैं तू अपने गल में जनेऊ पाया हो, मेरे भी गल में पाना चाहना है, मैं दस ये जनेऊ ना होएगा कि? ते ब्राह्मण ने गल कही सी जनेऊ पाउण वाला धर्मी हो जाएगा, उच्चा हो जाएगा। कहने लगे फिर छेती कर, पहला मेरी मां दे गल विच पा, मैं अपनी मां दा दुध पीता, मैनू अपनी मां दे शरीर ते जनेऊ नहीं दिसिया। कहिंदा औरत वास्ते नहीं, महाराज दा दूजा सवाल, कहिंदे जे औरत वास्ते नहीं है तू आपे हुणे कहा जनेऊ पाउण वाला उच्चा ते धर्मी हुंदा, जिहड़ा ना पावे उह नीवा ते अधर्मी, फिर मेरी मां धर्मी बाणी नहीं सकदी? तेरे धागे विच इन्नी ताकत है कि मैनू धर्मी बना दित्ता, मेरी मां धर्मी रही? नाले मैनू इह दस बुरे काम कौन करता? दे तेली ने सारी रात घुमा रहा उन्होंने, एक बल दूजे को कहता कहता बड़ा सफर तय कर लिया, हूँ तेली नहीं होना अपने लागे,
बड़ा घूमे आपां। कहिंदा किन्नी दूर आ गए? दूजा बंदा कहिंदा मैनूं पता मेरे ते अखां दे खोपे ने। कहिंदा तैनूं पता होणा? कहिंदा मेरे भी अखां दे खोपे ने। सारी रात विचारे तुरे, दिन कहिंदा जो चिड़ियां चुकन लगी अखां तों खोपे लाए, तेरी ने भी साह लैणा सी, वेखिया बलदा ने आसे पासे, ओह ही कच्चा घर, ओह ही कोलू, ओह ही तेली, सिर मारिया मना सारी रात तुरदे रहे उत्थे दे उत्थे। ये हक साडी नहीं, हजूर साहब तो आए, आनंदपुर साहब तो आए, पर बाबा दामू शाह तेरे तो बिना नहीं सरना चाहता। बाबा दामू शाह तेरे तो बिना कितना सरजू साडा? बाबा लकड़ शाह पता नहीं कड़े कड़े बेसुरे बाबे बना ले। फिर कमाल की गल देखो, ये मूल नाल टुटण करके होया, मूल नाल टुटण करके होया, मूल नाल टुट गया तो तबाही साडे समाज विच वापरी है। धन गुरु रामदास महाराज ने कहा जे मनमुख दे परिभाषा यह है कि मूल नाल टुटन करके जिंदगी उहदी विनाशकारी हो गई है, तबाह हो गई है। भाई गुरदास ने पता की लिखे, जिहड़े बंदे इदां थां थां ते जांदे ने उहनां बारे लफ्ज वेखो की लिखिया। हंस ना छड्डै मानसर, यह गुरसिख की गल है। हंस मानसर नहीं छड्डदा, गुरसिख गुरु नहीं छड्डदा। जो मर्जी हो जाए, पुत की लाश वेखनी पवे, पुत का दिल कड़वा के मूँह च पवा लै, अपने बच्चे के टुकड़े करवा लै, चाहे वह माँ होवे, चाहे वह भैन होवे, चाहे वह धी होवे, टुकड़े करवा लै, गलों में हार पवा लै, पर हंस मान सरोवर नहीं छड़दा। चाहे सिंह होवे, चाहे सिंघड़ी होवे, वह अपने गुरु का दर नहीं छड़दी। हंस ना छड़दा मान सारा, तुलना देखो तुम, हंस मान सरोवर नहीं छड़ता। भाई गुरदास जी जे थां थां ते जांदे उन्हां बारे भी दस दो। बगला छप्पड़ फिर आवे, हंस नूं मान सरोवर तो बिना कोई दूजे का पता ही नहीं। उन्हें कोई पुछे ना उत्थे पता, कहिंदा नहीं मैनूं तो सरोवर बारे पता, मैनूं तो गुरु ग्रंथ साहिब बारे पता। बगले नूं पुछे कोई, कहिंदा दस कि छप्पड़ बारे पुछना है? हुशियारपुर वाले बारे, अंबाले वाले बाबे छप्पड़ मिनू बाबे, वो कि उन्हें डड्डू खाने, डड्डिया मछियां खाने, जिथे मर्जी लै जाओ। भाई गुरदास जी कहते हैं अज इन्हों शब्दों की व्याख्या कर लगे प्रचार, सौ वार सोची पै जाता कि अद्धे ते साडे समाज में बगलियां वाला जीवन जी रहे हैं, गुस्से हो जाना इन्होंने, पर भागा वाले डॉक्टर ही कहता जो मरीजों को वेख के दवाई देंगे। कहता डॉक्टर, कहता डॉक्टर जिहड़ा मरीजों नूं वेख के ही दवाई देवे कि मरीज ना गुस्से हो जाण, इन्हां नूं शुगर है, मैं नहीं दसना तुहानूं शुगर है। गुनाह कीता ना फिर उस डॉक्टर ने, पाप कीता ना। इमानदारी तो यह कि जे बीमारियां तो रखो समाज के सामने, पलो ठीक हो जाओ, तुहाडा जीवन बच जाएगा। हंस ना छड्डै मान सारा, मनमुख मूड़ों भुलिया। हंस ना छड्डै मान सारा, बगला छप्पड़ फिर आवे। बगला छप्पड़ फिर आता साल, तुम वेखो जरा एक गुरु को मानता ना, उन्होंने किसी डेरे बारे नहीं पता होता, किसी जोशी बारे नहीं पता होता। जेडे थां थां जाते उन्होंने पुछ के वेखो, मेरी पत्थरी बड़ी है ढिड जी, अच्छा फलाने बाबे को जाओ ढिड ते हथ फेरदा पत्थरियां बाहर, उस वे दसो पता लग जाऊ छप्पड़ खान छप्पड़ा से जाने वाला डिडू ने। बगला जो डिडू खा रहे पता उ बाबा है उत्थे भी, जे पत्थरियां इदा बहर आदि होंदिया ना, फिर वड्डे वड्डे डॉक्टरों की जरूरत नहीं सी हैगी। दवाई नाल ते बनिया दसदा भी तुम दवाई लो तो वह किस तरह पत्थरी बाहर आ जाए, पर हाथ फेरे इदा हो जाए बड़ा सौखा काम है। पर लोग चले गए ना, कई गए बाबे को, पीड़ होंगी सी, बाबे कोई दवाई दवुई खवाती, थोड़ी चेर पीड़ ठीक हुई, बाबे का बड़ा जस गाया। बाद च पता लगा जिस दिन बाबे हो गया सी 4 mm की सी, हुण तां सुख ना 12 mm की हो गई, हुण निकलनी नहीं, हुण पिता भी गया, गुरदा भी गया, सब कुछ खराब हो गया। क्या तमाशा है? उदो ही कढ़ा लो पलो, इलाज करा लो, जीवन सोहना बन जाएगा। हंस ना छड्डै मान सारा, बगला छप्पड़ फिर आवे। बगला छप्पड़ कोई नहीं छड़दा, हंस मान सरोवर नहीं छड़दा। आ तुलना जी, ये हम वेख के जाना मैं इन्हों दोवों चो कि लैन चुकूंगा, मेरी अपनी मर्जी, थोड़ी अपनी मर्जी है। मैं हंस बनना के बगला बनना? हंस ना छड्डै मान सारा, बगुला छप्पड़ फिर आवे। कोयल बोलै अंब वाणा, कोयल जिहड़ी अंब ते ही बोलदी है चंगी लगदी है, दूजे बने कां। कोयल बोलै अंब वाणा, वण वण कां कुथां सुखावे।
ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਾਂ ਤੰਦੂਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਈ ਚੁੱਕੇ ਰੋਟੀ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ, ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਮੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰਤੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬੋਲ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਜੂ ਕੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਡਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕਾਂ ਮੱਖਣ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ ਰੋਡੇ ਬੈਠਾ। ਹੈ ਕੋ ਦੀਨ ਮਜ਼ਬੂ ਕਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਕੋ ਦੀਨ ਮਜ਼ਬ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਭਲਿਆ, ਮੱਖਣ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਮੱਖਣ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ, ਕਾਂ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚੱਖਈ। ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੱਖਦਾ, ਕੇਸਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੱਖਦਾ। ਕਾਂ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚੱਖਈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਖਾਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਗੰਧ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਲੋਕ ਗੰਧ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਚੂਝਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ, ਜਿਤ ਨਹਾਤੈ ਕਉਆ ਹੰਸ ਹੋ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਹਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਂ ਸੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਹੰਸ ਕੇਵਲ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਕੇਵਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਬੋਲੇ ਅੰਬ ਵਣ, ਵਣ ਵਣ ਕਾਂ ਕੁਥਾਂ ਸੁਖਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਵਗ ਨਾ ਹੋਵਣ ਕੁੱਤੀਆਂ, ਗਾਈ ਗੋਰਸ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗਾਵਾਂ। ਜੇ 10 ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਛੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗਾਵਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਹੋ ਗਈਆਂ, 15 ਤੋਂ 20 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੌਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਗ ਨਾ ਹੋਵਣ ਕੁੱਤੀਆਂ, ਗਾਈ ਗੋਰਸ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਫਲ ਬ੍ਰਿਖ ਨਿਹਚਲ ਮਤੀ। ਸਫਲ ਬ੍ਰਿਖ, ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੋਕ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਉਬੈ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਨਾ ਫਲ ਤੇ ਨਾ ਛਾਉ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਨਾ ਫਲ, ਨਾ ਹੁਣ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਛਾਂ, ਨਾ ਛਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਰੁੱਖ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਤੀਰੀ ਬਣਨੀ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਖਤ ਭੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰੁੱਖ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਤੀਆਂ ਤੈ ਨਿਤ ਜਾਲੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿਆਵਲਾ ਤਿਸ ਛਾਉ ਕਨੇਰੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ।
पर जेड़ा दरख्त धरती ते उगया भी है ते धरती नाल नाता भी जुड़िया है उन्हूं वड़न लग्या ते चीरन वाले दे कई बार पसीने छुट जाते हैं, कई बार साह लैना पैंदा है। बस इहो फर्क है, असीं हथां नाल भुरदे जा रहे हैं क्योंकि एक नाल नहीं जुड़े। भाई मती दास वर्गे योधे नूं चीर लग्या एक बार पसीने छुटे ने चीरन वालियां दे, क्यों? क्योंकि एक नाल जुड़े सन। असीं एक नाल नहीं जुड़े, असीं हथां नाल ही भुरदे जा रहे हैं क्योंकि मनमुख ऊपे सुख गए ना फल ते ना छाओ। कहणगे उहनां पास ना बैसीए उहनां घर ना गिराओ। जिहड़ा दरख्त धरती नालों नाता तोड़ गया है, दाता जी कहिंदे उह किसे काम नहीं आ सकदा। उह खलोता धरती ते जरूर है पर इक्को काम कर सकदा है, उह टट्टियां तैन ते जालियां उह अग बालण दे काम जरूर आ सकदा है पर किसे दी मकान दी छत ते सतीरी पाला बन के उहदे परिवार दी वंश नूं अगे वधा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें धरती विचों रस प्राप्त नहीं किया, वो तो हाथ नाल ही भुरदा जाता है। ना उसकी कुर्सी बन सकती, ना उसका मेज बन सकता, ना किसी दे काम आ सकता, ना दरवाजा बन सकता। हाँ अग बालन के काम जरूर आ सकता है, पर जिहड़ा धरती नाल जुड़िया होया है उसकी शतीरी बनाओ, उसका बाला बनाओ, हर एक काम आ सकता है। दो जिक्र किए गुरदेव ने, गुरमुख ब्रह्म हरियावला, गुरु के सन्मुख रहने वाला वह दरख्त है मनुख जिहड़ा धरती नाल जुड़िया होया है, जिहड़ा गुरु नाल टुटा होया है। मनमुख ऊबे सुख गए ना फल ते ना छाऊं, इहो गल ही धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने कही। मन के पिछे तुरन वाले मनुखा तेरे जीवन का किरदार ऐसा है। सत्कारयोग भाई गुरदास ने जो जिक्र किया भी जिहड़ा गुरु का सिख है उस दरख्त वर्गा है जिहड़ा दरख्त धरती नाल सदा जुड़िया रहिंदा है। जुड़े रहन करके एक ते पत्ते ने, एक थले छां है, एक फल दिंदा है, फिर जदन कुआरा लैके आ जाए उहदी लकड़ भी काम आउंदी है। सफल ब्रिख निश्चल मती, मती का अर्थ है जिहड़ा एक थां ते टिकिया उह सफल ब्रिख वर्गा है। निफल मानस दै दिस धावै, कहिंदे अग तत्ती जदों अग बाली जाती उह ठां नूं नहीं जाती, जदों भी अग बालीए उहदा मूँह थां नूं नहीं हुंदा, अग का मूँह थां हुंदा। अग तत्ती जल सियाला, जल जदों भी आपां सुटांगे जमीन वालों आएगा, अग जदों भी बाली जाएगी आकाश वालों जाएगी। अग की तुलना की मनमुख नाल, पानी की तुलना की गुरमुख दे नाल। कहण लगे अग तत्ती जल सियाला, कहण लगे सिर उच्चा नीवा दिखलावे, कहण लगे गुरमुख आप गवाया मनमुख मूर्ख आप बनावे, दूजे भाओ कुदाओ हरावे। क्यों? एक कारण की वापरिया, कहिंदे क्योंकि एक नाल जुड़न करके जीवन खूबसूरत बन गया। उन्हें अपना आप गवाया, जिन्हें अपना आप नहीं गवाया उन्हें अपनी होंद नूं अगे रखण दा यतन किया है। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस श्लोक विच इहो विचार नूं अगे रखिया। मन दे पिछे तुरन वाला मनुख मूल नालों टुटा होया है ते टुटन दे कारण दसे, ध्यान नाल श्रवण करना। गुरदेव जी ने कले कले नुक्ते वाल साडा ध्यान दवाया कि आ कारण बनते ने मनुख दे सच नालों टुटन दे। मनमुख मूलों भुलिया विच लभ लोभ अहंकार, लभ लोभ ते अहंकार ये कारण बने ने इहनू सच नालों तोड़न दे। हुण भागां वालिओ मनुख नूं इक चिंता खाई जा रही है, दिन रात जदों मैं मर गया पता नहीं रब मैनू कहड़ी जून विच पाएगा, पर सतगुरु जी कहिंदे जदों तेरे अंदर लोभ जन्म लैंदा है ना उदों तू कुकर दी जून भोग रहा हुंदा, लभ कुत्ता। जदों तेरे अंदर लोभ आ जांदा है ना उदों तू कुकर दी जून भोगदा है। धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपने शब्दों में कहा बिरथा कहौं, बिरथा दा अर्थ है पीड़ा, मैं अपने अंदर की पीड़ा किनू दसा। बिरथा कहौं कौन स्यों मन की लोभ दरस्यो, दसहूं दिस धावत आसा लाग्यो धन की द्वार है द्वार, सुवान ज्यों डोलत। कुत्ता जिहड़ा है, हुण कुत्ते दे भी दो पक्ष ने, एक ते कुत्ता मालक ने आप रखे हुंदे उहदे गल च पटा हुंदा है, मालक उहदी रोटी का प्रबंध करदा है, आप घूमण जांदा कुत्ते नूं भी नाल लैके जांदा है, जदों गवाच जाए मालक नूं फिक्र हुंदा लभ के लिआउंदा। पर एक कुत्ता हुंदा जिहड़ा पिंड विच सारिआं दा सांझा हुंदा, जदों उह बीमार हुंदा पिंड विच किसे नूं फिक्र हुंदा, कोई उहदी दवाई बूटी दा प्रबंध करदा, उहदे आपे जख्म लगदा आपे ही बेचारा चट के ठीक कर लैंदा। इह कौन कुकर
जिसे जख्म का किनू भी फिक्र नहीं क्योंकि वह कुकर दर दर से जाने वाला सी। एक सी बाबे कबीर ने ताई ते आख्या कबीर कुकर राम को, कहते मैनू भी लोग कुकर कहते हैं पर मैं हैगा वहां स्वीकार करदा कहदा हाँ राम को, राम का कुकर हाँ, मेरी निशानी है, प्रेम का पटा पाया हो, मैं उदा हाँ, मैं किसी संसार के बंदे का कुकर नहीं। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जै खिंचे तह जाओ। कहते जी कुकर ही बनना है ना, इदा का बन, एक दे दर का हो जा, थां थां ते सिर झुकाने वाले की लाभ है तेन, कभी कितने जाके सजदा करता है, कभी कितने जाके सजदा करता है, कभी किसी को वड्डा कहने की कोशिश करता है। भाई गुरदास ने तो कमाल का नुकता दिता, कहते भलिया दां चोण लगीए, वछे वछी किले तो खोलीए, एकदम जे कि काली च किसी होर गां के थले जाके वछा जा वछी पै जाए ना, दुध नहीं मिलता, दुध नहीं मिलता, अगे लत मिलती, जोर ना पटका के मुंह से लत मार दिए, लत खा के बच्चे बच्ची वापस आना पैदा है। जैसे बछड़ा बिशर पर त्यान गाय थान, होर किसी गां के थले जाके पै जाए, दुग्ध ना पान करे, दुध नहीं मिलता, की मिलता है मारत है लात की, लत पैंदी उतों मुंह बना के वापस आंदा है। भलिया अपने गुरु का दर छड़ के कितने जा रहा है, अपने गुरु की विचार छड़ के कितने पासे भटक रहा है, तो अपने मन को त्रवास भी दिना। सारे एको जे होंगे ने जी, कबर से जाने वाले मड़िया मसाणा से, जिहड़ा नौजवान अज मोगे मिले ना, जिहड़ा डंडौत करता आ रहा मोगे तो लोहारे वाल, उन्होंने जो मैं खिलाड़ के गड्डी पूछे, मैं क्या वीरे तू तो तेरे नाँ के नाल सिंह लगता, तो सिंह तो पूजा अकाल की करते हैं, परचा शब्द का दीदार खालसे का, पता जब अगे की जवाब दिता उन्हें। सारे अपने जी, सारे मनना चाहिए जी, सारे गुरु पातशाह ने मनने लिए साढ़े तैयार किए ने। पागा वाले कभी सोच के वेखे गुरबाणी में एक ओंकार 567 बार गुरु साहब ने उच्चारण किया, एक ओंकार जी एक की वरतों की ना 567 बार की है। किस वास्ते एक बार लिख दे, दो बार लिख दे, तीन बार लिख दे, चार बार लिख दे, 100 बार लिख दे, 200 बार लिख दे, इन्नी बार क्यों, बार बार दृढ़ कराया है वो भलिया तेरा एक गुरु है, तेरा एक है, तेरा एक विश्वास ते अपने जीवन दे विच एक ते विश्वास रखेगा तेरा जीवन खूबसूरत बन जाएगा। जो भट्टा ने गुरु अमरदास महाराज के जीवन को बयान किया उत्थे लफ्ज वरत्या तैं पढ़े हो, एक दो दी गल नहीं की, तू एक रब नूं ही पढ़न दा यतन किया, तैं पढ़े हो एक, मन धरे हो एक, तू मन विच भी एक नूं धारण किया है, उत्थे दोनों दा जिक्र ते कीता ही, एक दी गल बार बार रखी कि एक ते भरोसा रख, एक ते विश्वास रख, आखिया धर जी रे एक टेक तू, दो दी गलत नहीं की। लाह बिडानी आस नानक नाम त्याई है, कार्ज आवे रास, तेरे जीवन दे कार्ज रास आ जाएंगे। पर अज बंदा सवेरे गुरु ग्रंथ साहब अगे मत्था टेक रहा है, शाम को किसी कबर अगे, जेड़े गुरु पातशाह ने दूजियां नू बुत पूजा तो मना किया, अज ध्यान मार के वेख लो, गुरु साहब के बुत बना के, उन्हां दीआं फोटोआं बना के, उन्हां दे अगे मत्थे, उन्होंने अगे आरतियां, उन्होंने अगे डंडौतां करनियां शुरू कर दिया ने। बाणी च वचन उच्चारण किए बुत पूज पूज हिंदू मूए, कभी इस भारत की दशा सी, बुत की पूजा करने वाला खुद एक दिन बुत बन गया। सतगुरु ने आख्या भलिया किनू त्यार है, कोई शिवजी नू त्यार है, कोई पार्वती नू त्यार है, भगत नामदेव वर्गे योधे ने आख्या त्या भलिया जिन्हू याद करना जो दे अपने कोले ओह तैनू दे देगा। पढ़ो बाणी शिव शिव करते जो नर ध्यावे, कहते जे तू शिवजी करद्या शिवजी खुश भी कर लिया, सियाण की कहावत है जे बच्चा बाप की सेवा करद्या करद्या बाप को खुश भी कर ले तो जो बाप के कोल है पुत ही देगा ना, जे बाप के कोल 20 किले जमीन है 21 तो दिन हो रहा उन्हें कहना पुत जो मेरे को तू ले ला, हूँ जो शिवजी को तेन मिल जाएगा। मान लो एक दिन शिवजी तेरे ते प्रसन्न भी हो गया, तेरे सामने आ के प्रगट हो गया, तेरे पुछेगा भगता की चाहिए, तू कहेगा जी जो थोड़े को मैनू दे दो, वो कहेगा मेरे को एक बल्द है एक डबरू है, जेड़े बलते मैं चढ़िया उत्ते तू चढ़ के डबरू जाए। भगत नामदेव जी कहते हैं शिव शिव करते जो नर त्यावे, जेड़े भी शिव शिव करके त्यादे ने बर्द चरा डबरू बनगा, डबरू बजाएगा यो कुछ मिलेगा ना। महामाई की पूजा करे, जे कोई एक दिन महामाई खुश कर भी लवे, एक दिन महामाई खुश करके उन्होंने प्रगट कर लवे, वो जो अपने को देगी
हाँ जी की है आप औरत है तेनू औरत बना देगी नरसे नार होए औतरा है वो कहेगी मैं एक औरत हाँ तू मर्द है मैनू तू त्याया है आ तेनू भी औरत बना देनी है यो कुछ मेरे को सानू तो उसने लड़ लाया जरा आप निरपाओ है निर्वैर है ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਆ ਜਾਏ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਸਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਸਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੁਖ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਦਰੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਖੰਡ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈਏ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਦਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਸ਼ ਰਸ ਮਾਤਾ ਘਰ ਮੈਂ ਵਸਤ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਜਾਤਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਥਾ ਰਾਰ ਕਰਤ ਰਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਗਾਥਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਿੱਖ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੂਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਇਹ ਗੁਣ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਣ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੋਗੇ ਜਿਤਨੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਖੁਦਾ ਕੋ ਭਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਦਾ ਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਰ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਦਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਧ ਮਤ ਕਰਤੇ ਸਭ ਹਿਰਲਈ ਬੋਲਣ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸੁਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਧ ਮਤ ਕਰਤੇ ਸਭ ਹਿਰ ਲਈ ਬੋਲਣ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੰਤੋਖੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਪੁੱਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ
पाप के भी सहन होंगे ने। जिस मां ने 9 महीने भुख च रखिया वह भी सहन करती है, भैन को भी सहन कराए जाते हैं, भरा को भी सहन कराए जाते हैं। कल डॉक्टर पर कोई केस ना कर दे, कि यकीन है कि डॉक्टर साढ़े वास्ते रब है, इन्हें हम सा मरीज को बचा लेना है। भले उस वक्त उस बाप ने जिन्ना विश्वास उस डॉक्टर पर किया कि इन्ना यकीन अपने गुरु पर है। रोज असं कहने सिखा सिखी दान, केस दान, रैंक दान, विवेक दान, विसाह दान, अगे की है जी भरोसा दान। जिन्होंने भरोसा नहीं ना उन्होंने बारे गुरु अमरदास का पता की फैसला, सतगुर की प्रतीत ना आईया, सतगुर के प्रतीत नहीं भरोसा नहीं, शब्द ना लागो भाओ, शब्द ना प्रेम नहीं बनिया, उन्होंने सुख ना उपजे, भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। महाराज कहते कि बार आना गुरुद्वारे, कोई कहेगा जी मैं 2 बार आना। महाराज कहते भावें 100 बार दिहाड़ी चा जे भरोसा नहीं, 100 बार तेरा आना जाना भी किसी लेखे नहीं, भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। प्रथम गल है भरोसे की, दिते कितने ना संतोखी है, अंतर तृष्णा बहु अग्ञान अंधार, अंदर तृष्णा सी अग्ञानता सी, संतोख जीवन चों गवाच गया। अखीर च गुरु पातशाह कहते नानक मन मुखा नालों टुटी पली, जिन माया मोह प्यार, मन के पिछे तुरन वाले मनुख नालों टुटी चंगी। जिहड़ा थां थां ते जाके सजदे करता है, थां थां ते जाके सिर चुकांदा है, तां गुरु अंगद साहब जी ने कहा किस ही कोई कोई मंझ निमाणी एक तू, क्यों ना मरीजा रोए जा लग चित ना आवई, धर जी अरे एक टेक तू, लाह बिडानी आस, नानक नाम त्याई है कारज आवै रास। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कृपा करन, जिन्हां दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित होके बैठे हो, सतगुरु जी कृपा करन जिवें विश्वास भरोसा उन्होंने अपने जीवन च एक गुरु परमात्मा ते रखिया, साढ़े जीवन च वी वध जाए, जीवन साडा उच्चा बन जाए, गुरु की विचार जिंदगी का आधार बन जाए। थां थां ते सिद्धे कर जो अज हो रहे हैं, थां थां ते मत्थे टेके जा रहे हैं, वापस परत के गुरु की विचार नूं अपने जिंदगी का आधार बना सकीए, गुरु की विचार साड़ी जिंदगी दे विच वस सके। जिवें मेरे वीर बलवीर सिंह हुणी बैठे ने, भावें कि बहुत विचारे यतन करते हैं, जिथे जिथे भी महाराज के सरूपां की कोई बेनती करता है यह पहुँच करते हैं, अपने वालों दिन रात भजनस करते हैं, पर फिर भी बहुत ऐसा थावान होंगे ने जिथे कई दिन सारिया को पहुँच नहीं होंगी। यतन साडा सारिया का बनना चाहिए है कि जो अज गुरु के सिद्धांत को पिट लग रही, भावें अकाल तख्त वालों हुक्मनामा जारी होया सी कि जिथे जिथे भी महाराज के सरूप पैलसा में प्रकाश किए जाते हैं उत्थे ना किए जाण, क्योंकि शराब का सेवन होंगे, पर थोड़ा जहा ध्यान मारो कि जिन्हों घर असी सरूप लैके जाने अपने घर पाठ कराने वक्त कि साढ़े घर नशे नहीं आते, शराब तो असी सेफ हाँ, यह जरूर ध्यान रखने की लड़ है। सरूप गुरुद्वारे नहीं ये जाता, जिते चंदोवा लगा हों उ शराब दोतल चल दिया ने, वैसे असी इश्तहार लिखा हों कोई नशे का सेवन करके ना आए, पर सरूप गुरुद्वारे जाता है तो फिर शराबा ओही जाम। गुरु अगे कहने महाराज परसों रोज तो बाणी का पाठ किया गया, वापस परताइए, मूल ना जुड़ जाइए, नशिया ने जीवन तबाह किया है, एक ते भरोसा रख सकीए। कोटान कोट धनवाद शुकराना धन गुरु ग्रंथ साहब जी का, बहुत बहुत धनवाद समुची संगत इतों के प्रबंधक वीर का जिन्होंने योग उपराला करके गुरु पातशाह के प्रकाश पुरब को मनाया होया ये गुरु दी खुशियां लैण दा यत्न किया है। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।